भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन सिर्फ चार जगहों से चीनी घुसपैठ की 80% घटनाएं हुई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीन का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 2015 के बाद से लगभग चार जगहों पर चीनी सैनिकों द्वारा 80% सीमा उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इनमें से तीन जगहें तो वेस्टर्न सेक्टर के पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। भारत और चीन की सेनाएं मई की शुरुआत में ही पांगोंग सो के पास आमने सामने आ गई थीं। इस इलाके के अलावा लद्दाख के ट्रिग हाइट्स और बुद्ध से दो ऐसी जगहें हैं जहां चीनी घुसपैठ के कुल मामलों में 2/3 घटनाएं दर्ज हैं। सेंट्रल सेक्टर में उत्तराखंड में 12 होती इकलौती ऐसी जगह है जहां 2019 में 21 जबकि 2018 में 30 बार चीनी सैनिकों ने सीमा उल्लंघन किया।